हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्क एंड रॉन LDCE क्लासेस। सर्क एंड रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन में हुए CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इस क्लास के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारे अपने प्रिपरेशन का लेवल किस तरह का रखना चाहिए ताकि कमिंग जो वैकेंसीज हैं CCTC के रेलवे LDCE का, उसको हम कैसे हम क्वालिफाई कर सके, एक पोस्ट ले सके। यह एग्ज़ाम जो है 5 मार्च 2024 को हुआ है, यह एग्ज़ाम 5 मार्च 2024 को हुआ है। तो आइए इस क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। अभी जितने भी रेलवे LDCE के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 110 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आप कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक मार्क्स के लिए होता है, एक अंक के लिए होता है। और अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं डिपार्टमेंटल, उसमें निगेटिव मार्क का भी प्रावधान किया गया है, मतलब 1/3 आपके निगेटिव मार्क्स भी काटे जा रहे हैं। तो केयरफुल के आंसर कीजिएगा और एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत के लिए नोडल अधिकारी कौन है, मतलब जोनल लेवल पे जो पब्लिक कंप्लेंट्स होते हैं उसके लिए नोडल अधिकारी कौन होते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसका आंसर ए होगा, AGM, एडिशनल जनरल मैनेजर, ठीक है ना। तो उन्हीं के ये निगरानी में ये सब जो है कंप्लेंट्स वगैरह जोनल लेवल पे देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिविजनल लेवल पर जो है पब्लिक जो कंप्लेंट्स होते हैं उसको कौन देखते हैं। डिविजन लेवल पर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिकट चेकिंग स्टाफ को नकदी यहाँ जमा करनी चाहिए, मतलब टिकट चेकिंग जो स्टाफ्स होते हैं जो फाइन वगैरह EFT के द्वारा काटते हैं, पब्लिक से फाइन लेते हैं EFT देकर, तो वो जो पैसा जो जमा करते हैं अपने पास में, वो कहाँ पर जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसका आंसर सी होगा, बुकिंग ऑफिस में, बुकिंग कार्यालय में जो है जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ्स होते हैं वो अपना पैसा जो है वो वहाँ जमा करते हैं और उसके एवज में वो एक MR लेते हैं, मनी रिसिप्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, NTES का अर्थ क्या है। NTES जो है इसका फुल फॉर्म जो होगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। NTES एक ऐप है जिसके द्वारा जो है जितने भी मतलब ट्रेन संबंधित सूचनाएं हैं, जानकारी है, आप उसे ले सकते हैं। यह सरकारी ऐप है, ठीक है, रेलवे की ऐप है NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, GEM का अर्थ क्या है। देखिए, आजकल जो मतलब गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है, ठीक है ना, मतलब हर चीज़ को जो है इंटरनेट डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। तो उसी में एक है GEM, GEM का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। GEM का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक अंदाज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंडल की गति शक्ति इकाई किसके नियंत्रण में कार्य करती है, मतलब डिवीजन की जो गति शक्ति इकाई है किसके कंट्रोल में कार्य करती है। तो इसका जो आंसर होगा वह DRM होगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर। देखिए, अभी क्या है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र स्तर पे जो है रेलवे के लिए भी जो है गति शक्ति ये संगठन बनाई है, एक बोर्ड बनाई है, जिसमें क्या है कि बहुत अच्छे ढंग से हर काम को स्मूथली फास्ट ट्रैक मोड में किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल है डिवीजन लेवल पे वो DRM करते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, PWB का अर्थ क्या होता है। PWB का अर्थ होता है पार्सल वे व्हील, मतलब PWB जो होते हैं वो पार्सल वे व्हील होते हैं। देखिए, एब्रिविएशन से
विस्तृत रूप से ये बहुत सारे वीडियो सरकंड्रोन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो PWB जो होता है, पार्सल वे व्हील होता है, जब आप पार्सल ऑफिस में वर्क कीजिएगा तो वहाँ पे ये स्लिप जो है दिया जाता है। जैसे आप टिकट लेते हैं तो टिकट देते हैं ना, पैसा लेते टिकट देते हैं बुकिंग ऑफिस में, रिजर्वेशन ऑफिस में, उसी तरह से जब कोई कस्टमर, जब कोई कंसाइनर, जब कोई पार्टी अपना सामान बुक करता है पार्सल ऑफिस में, तो पार्सल ऑफिस जो इंचार्ज होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो एक बिल देते हैं, उस बिल का नाम है पार्सल वे बिल। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकल यात्रा टिकट पर ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या की अनुमति होती है। मतलब जब कोई आदमी सिंगल जर्नी करता हो तो उसको ब्रेक जर्नी कितना अधिकतम मैक्सिमम मिल सकता है, तो वह ऑप्शन ए होगा, 2 बार मिल सकता है। जब कोई आदमी सिंगल जर्नी करता हो तो उसमें मैक्सिमम जो ब्रेक जर्नी है, अधिकतम जो यात्रा विराम है, वो उसकी जो अनुमति है वो 2 हो सकता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्सल ले जाने के फ्री टाइम की समाप्ति पर डिलीवरी के समय डैश एकत्र किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी सामान को, जब किसी पार्सल का जो फ्री टाइम होता है, अगर उस फ्री टाइम में कोई कस्टमर अपने सामान को नहीं ले जा पाता है, तो उससे रेलवे एक फाइन लेती है, एक पनिश मतलब जुर्माने के तौर पे पैसे लेती है। तो बताना है कि वो पैसा कौन सा शुल्क लिया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, वह शुल्क क्या लिया जाएगा। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि जब कोई पार्टी, जब पार्सल कोई मतलब जमा होता है, तो उसका एक फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम में आपको वो पार्सल रेलवे परमिशन से लेके चला जाना रहता है। अगर किसी कारण से अगर वह कस्टमर, अगर वह पार्टी उस फ्री टाइम में उस पार्सल को नहीं ले जा पाता है, तो उसके एवज में रेलवे फाइन के रूप में पैसा लेती है, वह शुल्क कौन सा होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलर के रूम शुल्क है, स्थान शुल्क है, विलंब शुल्क है, दंड शुल्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, IRCTC का मतलब क्या होता है। आप इसको भली बात ही जानते होइएगा, क्योंकि आए दिन IRCTC से बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं, टिकट बुक होते हैं, ठीक है ना। तो IRCTC का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से न्यूनतम कितना जुर्माना वसूला जाना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बी होगा, 250 रुपये। जब कोई यात्री बिना टिकट का यात्रा करता हो तो मिनिमम जो फाइन होता है, मिनिमम जो पेनाल्टी होता है, वह 250 रुपये जुर्माना के तौर पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में या मैसेज कीजिएगा कि यह किस सेक्शन के द्वारा मिनिमम 250 रुपये फाइन के रूप में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेक्शन पे बहुत सारे वीडियो सरकंड्रोन LDCE के क्लासेस के चैनल पे बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है। जोनल लेवल पे, जोनल लेवल पे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं उसके हेड कौन होते हैं, तो इसके जो हेड होते हैं वो PCCM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, MEA का अर्थ क्या होता है। MEA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज, मतलब मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज इसका आंसर होगा, 12 ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज। ये मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज होता क्या है, तो देखिए अगर आप रेलवे में वॉक करते हैं तो एक स्टेशन पे मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज में क्या क्या होनी चाहिए, तो पंखा होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, घड़ी होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। तो ये मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। आए दिन इससे भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी पूरी तरह से AC ट्रेन है। इनमें से कौन सी पूरी तरह से AC ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, हम सफ़र एक्सप्रेस, ये सभी, तो ये सब के सब आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा यात्रा के लिए वैध टिकट नहीं है, इसमें से कौन सा टिकट जो है जिससे हम जर्नी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है BPT, क्वेश्चन नंबर बी है सर्कुलर यात्रा टिकट, क्वेश्चन नंबर सी है इंडरेल पास टिकट, क्वेश्चन नंबर डी है रिटायरी रूम टिकट। इसमें से जो रिटायरी रूम टिकट है इससे हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, यह रिटायरी रूम टिकट से हम यात्रा विश्राम करते हैं, मतलब कहीं हम डॉर्मेट्रीज या रिटायरी रूम को बुक करके रहते हैं, यह यात्रा करने की टिकट नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय श्रेणी टिकट के साथ अधिकतम कितना सामान निःशुल्क ले जाया जा सकता है। देखिए, अगर सेकेंड क्लास टिकट है आपके पास तो आप 35 kg तक फ्री अलाउंस के रूप में लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सेकेंड क्लास का टिकट है आपके पास तो आप अपने साथ 35 किलो तक का सामान फ्री में लेके जा सकते हैं, अगर उससे ऊपर का सामान होगा तो रेलवे उस पर फाइन लगाती है, चार्ज लेती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, RAC का अर्थ निम्न में से क्या होता है। देखिए, RAC जो टिकट्स होते हैं ये इस RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। RAC का फुल फॉर्म रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपको हाफ सीटें दी जाती है और ये जनरली विंडो साइड की तरफ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, CVO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CVO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, CRIS क्रीस का अर्थ क्या होता है। तो क्रीस का जो अर्थ होता है वो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टुंडला किस मंडल का स्टेशन है। देखिए, यह वहाँ का लोकल क्वेश्चन है इसलिए आप हम आपको ये छोड़ रहे हैं। टुंडला किस मंडल का स्टेशन है, मतलब टुंडला किस डिवीजन का स्टेशन है ये बताना है। मतलब इसे आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप जिस भी डिवीज़न में वर्क कर रहे हैं वहाँ इस तरह के भी क्वेश्चन आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर हम चेन्नई डिवीज़न में काम करते हैं तो बताना है कि मेल मजदूर किस डिवीज़न में आता है, या आपको मदुरई किस डिवीज़न में आता है, त्रिची किस डिवीज़न में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उस डिवीज़न के डिविजनल क्वेश्चन भी जो है लोकल स्टेशन कहाँ किस डिवीज़न में आता है पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाणिज्य विभाग के कार्य क्या है, मतलब जो कमर्शियल जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं, काम क्या होता है। तो उसके जो काम होते हैं वो परिवहन सेवाओं की बिक्री है, यातायात का निर्माण और विकास है, जनसंपर्क बनाए रखना है, ये सभी के सभी है। तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के ये सभी वर्क है जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि स्टेशन पर किराया वापस नहीं किया जाता है तो यात्री को जारी किया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से किसी पैसेंजर को अगर स्टेशन पर किराया नहीं दिया जा पाता है किसी कारण से, अगर ट्रेन डिले हो या ट्रेन कैंसिल हो गया हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में उस यात्री को एक चीज़ एक पेपर जारी किया जाता है, उसका नाम क्या है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टिकट डिपॉजिट रसीद। टिकट डिपॉजिट रसीद जो होता है वह स्टेशन पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्रयुक्त अनारक्षित द्वितीय श्रेणी टिकट के लिए क्लर्केज शुल्क यदि ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के 3 घंटे तक रद्द किया जाता है तो कितना लगता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई जनरल टिकट है, अगर उसका जो क्लर्कल चार्ज अगर वो 3 घंटे के अंदर में कैंसिल करता है तो कितना लगेगा, तो वो लगता है 30 रुपये, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी जनरल टिकट्स होते हैं अगर वो 3 घंटे के अंदर में कैंसिल होंगे तो कैंसिलेशन चार्ज जो होता है, क्लर्कल जो चार्ज होता है वो 30 रुपये लगते हैं। अगर 3 घंटे से अधिक अगर समय निकल चुका है तो वो टिकट कैंसिल नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पैसेंजर दिन में 10 बजे कोई टिकट जनरल टिकट लिया है, अगर वह 1 बजे से पहले अगर वह टिकट कैंसिल करने आएगा तो उसका कैंसिलेशन चार्ज 30 रुपये लगता है और टिकट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या है, जहाँ ओरिजिनेटिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन का वो जो स्टेशन होता है उसे वहीं पर कैंसिल होगा। अगर वो 3 घंटे से अधिक का समय निकल चुका है तब वो कैंसिल करने आया तो वो सिस्टम कैंसिल नहीं लेता है, कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसका जो चार्ज होता है 30 रुपये लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरक्षित डिब्बों में सोने का सामान्य समय
कब से कब का होता है। अगर आप रिजर्वेशन कोचेज में सफ़र करते हैं तो नाइट में सोने के लिए रेलवे एक टाइम फिक्स की है, वो समय क्या होता है तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो समय होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कितनी होती है। तो प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये होती है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि प्लेटफॉर्म टिकट का रेट जो है कौन बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चन देखें इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के लेवल से पूछे जा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सर्कैंड्रोन LDCE क्लासेस के वीडियोज़ को देखते होइएगा तो डेफिनेटली आप 100% सॉल्व कर लिए होइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रोन LDCE क्लासेस।